attraction, affection, acceptance, attachment, love. यानी किसी के प्रति आकर्षित होना, फिर उनके प्रति स्नेह महसूस करना, फिर उनकी सारी खामियों के साथ उन्हें स्वीकारना, उनके प्रति पूरी तरह से अटैच हो जाना और अंत में उस व्यक्ति के साथ प्रेम के संबंध में जुड़ जाना। आजकल इसी को तो प्रेम कहते हैं, है ना? लेकिन क्या यही वास्तविक प्रेम है? क्या यही वो प्रेम है जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध लिया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया का हर एक रिश्ता बस स्वार्थी है। यहां पर भी परस्पर रिश्तों में प्रेम पनप सकता है, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उसे अपने से पहला स्थान देना चाहिए, उसकी सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। सच तो यह है कि प्रेम की परिभाषा हमारी समझ से परे है। तो आखिर ये प्रेम, प्यार, लव, ये क्या है? फिल्मों में हमने अक्सर सुना है कि प्यार, प्यार तो दोस्ती है, सुना है ना? अरे प्यार सिर्फ दोस्ती ही नहीं, सच्चा प्यार समर्पण है, निस्वार्थता है। ये कोई बंधन नहीं, ना ही कोई ये ऊपरी दिखावा है। सही मायने में प्रेम हर उस कार्य में जाहिर होता है जो हम दूसरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए खुशी खुशी करें। किसी स्वार्थ भरे इरादे से या किसी पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं। प्रेम भरा संबंध नुकसान फायदे की कोई बैलेंस शीट नहीं है। प्रेम का स्वभाव है बस देना। जहां प्रेम होता है वहां अपने आप को सुखी करने की भावना नहीं होती। हम बहुत बार केवल शारीरिक सुंदरता को प्रेम का आधार मानकर चलते हैं, दूसरों को मन की आंखों से नहीं बल्कि तन की आंखों से देखते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें रिश्तों का कोई लेन देन हो। ये प्रेम थोड़ी है, ये तो काम वासना है, लस्ट है। और अगर ये लस्ट है तो फिर लव क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्र प्रेम के विषय में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि प्रेम वो है जो शाश्वत है, हमेशा है और हर क्षण बढ़ते रहता है। लेकिन क्या इस जग में रहते हम ऐसा प्रेम भाव किसी के लिए डेवलप कर सकते हैं? हमारी शास्त्रों की माने तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वास्तविक प्रेम लगाव और आसक्ति का लक्ष्य है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। स्वयं भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, यानी कृष्णा जो अजेता है, स्वतंत्र है, जो प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, वे अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हैं और उनकी उंगलियों पर नाचते हैं। ये होता है वास्तविक प्रेम। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, है ना? हम उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, किन चीजों से उसे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसे खुश रखें, प्रसन्न रखें, और फिर हम उसके प्रति हमारा प्रेम और लगाव व्यक्त यानी एक्सप्रेस करते हैं। बस इसी तरह हमें भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और उनकी लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्न और संतुष्ट कर सकते हैं। और फिर भगवान के प्रति जो प्रेम और जो आकर्षण हम महसूस करते हैं उसे मन ही मन में ना रखें, उसे पूरी तरह से एक्सप्रेस करें। मंदिर जाकर भगवान के सौंदर्य को सराहे, प्रेम पूर्वक उन्हें भोग लगाए, उन्हें उपहार अर्पण करें। इस प्रकार हमेशा के लिए भगवान से प्रेम के बंधन में जुड़ जाए। और ऐसे रिश्ते को भगवान कभी नाकाम नहीं होने देते।
ऐसा प्रेम शाश्वत है और हमेशा बढ़ते रहता है। तो आज आइए इस संसार में आप जिस किसी से भी प्रेम करते हैं उनके साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण से हमेशा के लिए प्रेममयी सेवा के बंधन में जुड़ जाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।